आम को फलों का राजा कहा जाता है और सचमुच में आम होता भी ऐसा है जिसका स्वाद आदमी को मन मोह लेता है। और गर्मी के सीजन में कौन ऐसा नहीं होता जिसको आम अपनी ओर आकर्षित ना करे, वो आम नहीं खाना चाहता। और आपने हिंदुस्तान में अल्फांजो या दशहरी जैसे आमों के नाम सुने होंगे जो लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और जिसको खाने के लिए लोग हर समय ढूंढते रहते हैं कि मिल जाए। लेकिन हम जबलपुर के एक ऐसे आम के बगीचे में खड़े हैं जहां आम के नाम और दाम दोनों सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो हमारे साथ इस बगीचे के मालिक संकल्प परिहार जी हैं, उनसे पूछते हैं। संकल्प जी, बताइए कि बड़ी चर्चा है आपके आम के बगीचे की, क्या खास है इस बगीचे में? दरअसल हमारे यहाँ बगीचे में 24 वैरायटी के आम हैं, जिसमें से कि लगभग 8 वैरायटी जो कि बाहर की हैं और हमारे यहाँ ओपन एनवायरनमेंट में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन दे रही हैं। तो लोग उन आमों को देखने आते हैं और जितनी वैरायटीज़ हैं वो सारी हाइब्रिड्स हैं यहाँ पर। तो कुछ एक सुना है कि कोई 2.5 लाख का भी आम है आपके पास, बड़ी चर्चा है इसकी। कौन सा ऐसा आम है, क्या वैरायटी है वो और कहाँ का है ये आम? जहाँ तक ये 2.5 लाख रुपए वाली कीमत है वो फॉरेन की है, ये इंटरनेशनल मार्केट की कीमत है। उस आम का नाम मियाज़ाकी है, जो कि कहा जाता है कि दुनिया का सबसे महंगा आम है और जापान में जिसको कि उगाया जाता है पॉली हाउसेज में। बट ईश्वर की अपार कृपा है कि हमारे यहाँ ओपन एनवायरनमेंट में वो काफ़ी अच्छा फल फूल रहा है। और इसके अलावा अन्य प्रजातियाँ हैं, जैसे ब्लैक आम है जो कि काफ़ी रेयर आम है, जैसे आप बाजू में देख रहे हैं पिंक कलर का टेम है वो, इसकी खूबसूरती बेपनाह होती है। जब ये पकने पर आता है लगभग 1 किलो तक का फल होता है और ऊपर से पूरा गुलाबी कलर का फल होता है और इसकी जो खूबसूरती है बहुत ही बेपनाह होती है। और स्वाद इसका जैसे मैंगो का आप जेली खा रहे हैं। तो इस प्रकार की वैरायटीज़ हैं आम की, तो इसलिए लोग दूर दूर से इनको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये इसी आम की जो आप बता रहे थे, ये कहाँ का है वैरायटी? ये भी बाहर की है। मैंने जो सुना है कि ये 12,000-14,000 तक का पर पीस बिकता है। अभी हमने बेचा नहीं है, हम पिछले साल भी हमारे पास क्वेरीज आई थी, तो पिछले साल भी चूंकि फलों की संख्या कम थी और इस बार तो प्राकृतिक आपदा ही जैसी है इस बार, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा से ठीक ठाक है। ये जो आपका ये बगीचा जिसमें हम लोग खड़े हैं, ये कितना बड़ा बगीचा और यहाँ कितनी वैरायटी है आम की और कौन कौन सी है विशेष जिनको हम जिक्र करना चाहेंगे? ये बगीचा लगभग 4 एकड़ में है। इसके आगे 8.5 एकड़ का बगीचा और है जो माँ नर्मदा जी के किनारे लगा हुआ है। इस बगीचे में लगभग 1100 वृक्ष हैं, बच्चे हैं और वहाँ पर लगभग 2500 बच्चे हैं आम के। और इनमें जो वैरायटीज़ के नाम बोलेंगे तो प्रमुखता से लिया जाएगा तो भारत की तो सर्वोच्च जो टॉप रिसर्च वैरायटी मल्लिका है, हाइब्रिड प्रजाति है, काफ़ी सराही जा रही है और काफ़ी लोगों में डिमांड है उसकी। उसके अलावा आम्रपाली है, उसके अलावा जैसे कि हमारी पुरानी वैरायटी दशहरी, लंगड़ा चौसा, बॉम्बे ग्रीन, केसर, बादाम और रत्नागिरी, हापुस, ये वैरायटीज़ हमारे बगीचे में हैं। इनके अलावा जो फॉरेन की वैरायटीज़ हैं वो लगभग 8 हैं, जैसे कि टमेगो आप पिंक कलर वाले को जिसको कहा जाता है, रेड कलर वाला मियाज़ाकी जो कि वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव है, एक जंबो ग्रीन है, एक जंबो रेड है, एक ब्लैक है, एक जैपनीज ड्रैगन करके है, तो ये 6 वैरायटीज़ हैं। उसके अलावा USA का सेंसेशन है, नेपाल का गुलाब केसर है, ऐसे करते हुए लगभग 8 वैरायटीज़ बाहर की जो कि हमारे पास भी है। ऐसा जिस तरह के आप नाम ले रहे हैं वो तो अलग क्लाइमेट के फ्रूट्स हैं जो अलग उस जगह पे होते हैं, तो ये जबलपुर में कैसे आपको ख्याल आया कि इनको यहाँ उगाया जा सकता है और ये फल भी दे सकते हैं? इसमें विचार बिल्कुल नहीं किया, सच बोलेंगे विचार बिल्कुल नहीं किया। आम के बच्चे थे, ईश्वर ने हमारे तक पहुँचाया, मेरी तो उन तक पहुँच भी नहीं थी, ईश्वर की कृपा से वो हमको प्राप्त हुए और हम लोगों ने उसको बगैर कुछ विशेष कुछ ध्यान या आकर्षण का कुछ बना के उनको नॉर्मल जो बच्चे हमारे अन्य बच्चे मल्लिका आम्रपली हैं उनके साथ ही लगाया। और ये प्रभु की अपार कृपा है कि वो एक ओपन एनवायरनमेंट में बिल्कुल उन्हीं की तरह पले बढ़े और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए उन्होंने। फलन, उनका ग्रोथ, उनका फल का साइज़, उनका टेक्सचर, सारा चीज़ अल्टीमेट था। एक जो फिर से अगर हम उसी बात में आए कि जो जिसने आपको इतनी प्रसिद्धि दी थी देश भर में, देखते हैं कि बहुत जगह आपकी वीडियो दिख रहे हैं और खबरें हैं कि आपने एक कमाल कर दिया, 2.5 लाख किलो का आम उगा दिया, तो उस आम के बारे में थोड़ा और बताइए कि वो पेड़ कहाँ से मिला आपको, कैसे लाए, कैसे हुआ और कैसे पता चला कि इतना कीमती ये आम है? साहब, सबसे पहले तो ये मेरा कोई कमाल नहीं है, इसके बारे में मैं तहे दिल से क्षमा चाहूँगा। ईश्वर की कृपा और आप सब लोगों की दुआएं हैं कि वो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे फल फूल रहे हैं। रह गई बात, मैंने आपसे बार बार पहले भी बताया था कि इनको लाने में भी मेरा रोल नहीं है साहब, ये तो जैसे ईश्वर स्वयं किसी रूप में आ जाते हैं आपके जीवन काल में। तो एक व्यक्ति जो सज्जन मुझे ट्रेन में मिले थे, उन्होंने ये आम मुझे प्रदाय किए और कुछ पैसे ज़्यादा मांगे थे जो कि मुझे उस समय लग रहा था काफ़ी, लेकिन ईश्वर की अपार कृपा की थी कि मेरे पास उस समय वो पैसे मौजूद थे कि मैं उनको दे सकता था। जैसे ईश्वर ने भेजा उनको, ट्रेन में मुलाकात हुई थी उनसे
और उसके बाद आज तक कभी मुलाकात का सौभाग्य भी नहीं हुआ उनसे। तो ये सारी चीज़ें तो मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ, उसमें मेरा कतई कहीं रोल नहीं है। आप सबकी दुआएं और प्रभु की कृपा है ये।